हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर और एफ में संबंध के बारे में और दर्पण सूत्र के बारे में चर्चा की थी। और इस दर्पण सूत्र का सत्यापन हमने अवतल दर्पण के लिए किया था। इसी के साथ में हमने दर्पण सूत्र के अलावा हमने आवर्धन क्षमता या आवर्धनता के बारे में भी चर्चा की थी, स्मॉल एम के बारे में, और इसके अलग अलग रूप में मानों को हमने ज्ञात किया था। आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब इसी दर्पण सूत्र का हम सत्यापन करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। हालांकि ये जो दर्पण सूत्र है ये आपकी किताब में केवल और केवल अवतल दर्पण के लिए ही दिया गया है, लेकिन अब हम इसका सत्यापन करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। और इसी के आधार पर हम लोग आवर्धन क्षमता या आवर्धनता जो है उसका मान भी उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे, हालांकि ये दोनों एक तुल्य प्राप्त हो, समतुल्य प्राप्त होंगे। देखिए, दर्पण सूत्र में देखना है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल दर्पण हो गया, और इस उत्तल दर्पण के लिए ये हो गई हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये है हमारे पास में ध्रुव P, यहाँ हो गया हमारे पास में मुख्य फोकस F, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। ये हमने यहाँ पे कोई वस्तु ले रखी है AP, और इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती, और इसी प्रकार से यदि ये प्रकाश की किरण जो है ये वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यदि ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से ये हमें यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और ये प्रतिबिंब हमने ले लिया A'B'। अब देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है AB और C पूरा, और एक बन रहा है A'B'C। एक तो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है A'B'C। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में मैं थोड़ा सा और स्पष्ट बना देता हूँ इस चित्र को, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, थोड़ा और स्पष्ट बना देते हैं इस चित्र को ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे ये हमारे पास में है एक उत्तल दर्पण, और ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया मुख्य फोकस F, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। हमने यहाँ पे एक वस्तु ले रखी है AP, मुख्य अक्ष के समांतर इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। और अगर यही प्रकाश की किरण सी यानी वक्रता केंद्र पर आपतित होगी सी पर आपतित होती है तो यहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सी पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यहां इनका प्रतिच्छेद हो रहा है, और इस प्रतिच्छेद बिंदु पे के इस प्रतिच्छेद के कारण से यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो गया A'B'। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABC और एक त्रिभुज है A'B'C। इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण तो दोनों में कॉमन है, और इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है, दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज समरूप हो गए। और यदि त्रिभुज समरूप हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'B'C के, और अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसलिए इस त्रिभुज ABC की भुजा AB और इसकी भुजा A'B'
ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज की भुजा ए सी और बट्टा इसकी भुजा ए डैश सी, तो यह आ गया ए सी बट्टा ए डैश सी, ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर एक। ऐसे ही ये बिंदु हमें ले लिया जैसे डी, और इससे आपने इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया डी ई, और हमें पता है कि डी ई जो है ये इस मुख्य अक्ष पर लंब है। हालांकि हमें ये भी पता है कि हम दर्पण के छोटे से भाग को देख पा रहे हैं, और चूंकि हम दर्पण के छोटे से भाग को देख पा रहे हैं इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो डी पी भाग है ये समतल प्रतीत होगा, और ये समतल प्रतीत होगा तो बिंदु पी और ई जो है ये संपाती दिखेंगे। इनके संपाती होने का मतलब क्या हुआ, संपाती होने का अभिप्राय है कि जो दूरी आप पी से नाप रहे थे मतलब पी और ई जो है वो एक ही जगह पर बिंदु है, जो अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो दूरियां हम पी से नाप रहे हैं वही दूरियां ई से भी नापी जा सकती है। देखिए तो यहां से अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास देखिए एक तो त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ, त्रिभुज बन गया डी ई एफ, और एक त्रिभुज बन गया ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों में भी ये दो कोण 90 डिग्री दिए हैं, और ये कोण एफ जो है कॉमन हो गया, तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, दो कोण बराबर होते। देखिए आप यहाँ पे बोल सकते हो त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, समरूप है संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसलिए इस भुजा इस त्रिभुज डी ई एफ की भुजा तो आ गई डी ई, और ए डैश बी डैश एफ की भुजा आ गई ए डैश बी डैश, तो डी ई बट्टा ए डैश बी डैश बराबर है इसकी भुजा ई एफ बट्टा इस वाले त्रिभुज की भुजा ए डैश एफ, तो यह आ गया ई एफ बट्टा ए डैश एफ। अब हमें पता है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, और अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके मध्य का जो अंतर है वो समान रहेगा, इन दोनों रेखाओं के मध्य का अंतर यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे डी ई है, ये दोनों समान होंगे, तो इसलिए डी बी डी ई और ए बी दोनों बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो यहाँ पे आप देखिए चूंकि डी ई समांतर है, ये समांतर है इसलिए डी ई बराबर है ए बी के, ये डी ई और ये ए बी दोनों समान है, अगर ये बराबर है तो इस डी ई की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ई एफ बट्टा ए डैश एफ, ये हो गया हमारे पास में समीकरण दो। इन दोनों समीकरणों को मिश्रित रूप में अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, दोनों समीकरणों से अगर आप इसको हल करते हैं तो देखिए हमारे पास में मिश्रित रूप में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान आया था ए सी बटा ए डैश सी, ये मान आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो हमारे पास में आ गया ए सी बटा हमारे पास में आ गया ए सी बटा ए डैश सी बराबर है, इसका ये जो मान था ए सी बटा ए डैश सी यहाँ लिखते हैं अपने बराबर में ई एफ बटा ए डैश एफ, ई एफ बटा ए डैश एफ। अब देखिए एसी दो टुकड़ों में बन रहा है, एक तो हो गई एपी और एक हो गई सीपी, ये जो पूरी भुजा एसी है ये दो टुकड़ों में बन रही है, एक तो ये एपी है और दूसरा हो गया सीपी, सॉरी तो ये हो गया हमारे पास में एपी प्लस सीपी बट्टा एडीसी, एडीसी जो है इसको आप लिख सकते हैं सीपी माइनस में एडीसी, भाई ए डैश सी इतनी भुजा है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो पूरी भुजा है सीपी इसमें सब नहीं है ए डैश पी को माइनस कर दिया, तो आ जाएगा सी पी माइनस में ए डैश पी बराबर है ई एफ। अब ये जो दूरी है ई एफ ये फोकस दूरी है, इस दूरी को चाहे आप ई से नाप लो चाहे पी से नाप लो एक ही बात है, तो इस ई एफ की जगह हमने लिख दिया पी एफ क्योंकि बिंदु पी और ई जो है ये संपाती हैं बट्टा ए डैश एफ, ये दूरी इसको आप लिख सकते हैं पी एफ माइनस में ए डैश पी, पी एफ माइनस में ए डैश पी। देखिए अब यहां पे अगर आप मान देखते हैं एपी का मान, एपी दर्पण से वस्तु की दूरी, और जो वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है,
तो ये जो यू का मान है भाई दर्पण से वस्तु की दूरी यू हो गई, लेकिन ये दूरी वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है, इसलिए यू का मान किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो मतलब यहां से एपी बराबर तो आ गया हमारे पास में माइनस में यू, सीपी ये वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या होती है हमारे पास में कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या ये दूरी दर्पण के दाईं ओर बन रही है, और चूंकि ये दूरी दर्पण के दाईं ओर है इसका मतलब ये प्लस में आएगी, तो यहां से हमारे पास में हो गया सीपी बराबर प्लस में आर होगा, और आर बराबर होता है 2F। इसके बाद में आ गया ए डैश पी। अब देखिए ए डैश और ये पी, ए डैश यहां पे प्रतिबिंब बन रहा था और ये पी दर्पण, इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी v, क्योंकि ये भी इस दर्पण के दाईं ओर बन रही है इसलिए ये भी प्लस में आ गई, तो v आ गया लेकिन ये प्लस में है। ऐसे ही pf, p और f फोकस से ध्रुव की दूरी, फोकस दूरी ये भी दाईं ओर है इसलिए ये भी प्लस में आएगी, तो pf का मान आ गया प्लस में f। ये जितने भी मान हमें मिले हैं हम यहां पर लिख सकते हैं, तो ap का मान हमने लिख दिया माइनस में यू, प्लस सीपी का मान आ गया हमारे पास में 2F बट्टा, सीपी का मान है 2F माइनस ए डैश पी का मान हो गया V बराबर पी एफ का मान हो गया F बट्टा, पी एफ का मान हो गया F माइनस ए डैश पी का मान हो गया हमारे पास में V। तो अब इनको यदि हम वज्रगुणा करते हैं तो देखिए माइनस का यू प्लस 2F और इसके गुणा में आ जाएगा F माइनस V बराबर F के गुणा में आ गया 2F माइनस में V। अब यहां से अगर हम इसको आगे हल करें, देखिए माइनस के यू को F से गुणा किया तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस में यू एफ, माइनस के यू को माइनस के वी से गुणा किया तो प्लस में आ गया यू वी, और टू एफ को एफ से गुणा किया तो आ गया प्लस में टू एफ का स्क्वायर, इस टू एफ को आपने माइनस के वी से गुणा किया तो आ गया माइनस में टू वी एफ बराबर एफ को टू एफ से गुणा किया तो आ गया टू एफ का स्क्वायर, F को माइनस के गुण V से गुणा किया तो माइनस में VF। अब देखिए 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, ये तो कट गया। अब यहाँ पे ये जो UV है इसको आप इस साइड में रखिए तो यहाँ पे तो बस गया UV, और ये 2VF साइड माइनस में दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में हो गया 2VF, और यहाँ पे पहले से है माइनस में VF, और ये UF साइड माइनस में ये साइड में आ गया तो माइनस में UF। तो ये हो गया हमारे पास में यू वी बराबर है 2VF में से VF हमने माइनस कर दिया तो आ गया VF माइनस UF। इस पूरे समीकरण में UVF का अगर हम भाग दे दें तो यहाँ पे आ जाएगा UV बट्टा UVF बराबर है VF बट्टा UVF माइनस UF बट्टा UVF। तो यहां से ये UF इस साइड माइनस में था, इस साइड में आगे प्लस का हुआ ही। अब U से U और V से V कट जाएगा तो हमारे पास में आ गया 1 अपॉन F बराबर V से V और F से F कट गया तो बचेगा 1 अपॉन U प्लस U से U और F से F कट गया 1 अपॉन V। अगर आप बुक वाले रूप में लिखो तो 1 अपॉन F बराबर आ गया 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये है हमारे पास में दर्पण सूत्र, और यही दर्पण सूत्र हमें प्राप्त हुआ था अवतल दर्पण के लिए। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो दर्पण सूत्र है ये दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए समतुल्यता है मान्य। हम ये कह सकते हैं कि जो दर्पण सूत्र है वो दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए समतुल्यता है मान्य है, एक समान रूप से दोनों के लिए लागू होता है। तब आगे देखें अगर हम इसमें, यह था उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का सत्यापन। अब हमें आगे देखना है, अब इसके बाद में हमें देखना है अवतल उत्तल दर्पण के लिए आवर्धनता के बारे में।
उत्तल दर्पण से के लिए आवर्धनता के सूत्र का सत्यापन हम करेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए देखिए अब उत्तल दर्पण के लिए आवर्धनता या आवर्धन क्षमता के बारे में हम देखें, आवर्धनता या फिर इसे रेखीय आवर्धन भी कहते हैं, तो यहां से अगर हम देखें ये जो आवर्धनता या रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता है इसे हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और इसके लिए सूत्र क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं, किसी रेखीय गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। देखिए यहां से देखिए हमने कहा कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाइयों का अनुपात जो है उसे हम लोग रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसे हमने स्मॉल एम से दर्शाया था, तो यहां से हमने इसको बोल दिया ये हमारे पास में हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु यानी कि बिंब की ऊंचाई, इसका अनुपात हो गया हमारे पास में स्मॉल एम। अब यहां से आप देखिए स्मॉल एम बराबर आ जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हमने एच डैश से दर्शा दिया और बिंब की ऊंचाई को एच से दर्शा दिया तो स्मॉल एम का मान आ गया हमारे पास में एच डैश बट्टा एच। अब आगे देखते हैं, देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण के लिए कोई मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारे पास में मुख्य फोकस F और ये आ गया वक्रता केंद्र C, ये हो गया ध्रुव P, यहां हमने कोई वस्तु ले रखी है AB, इससे मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और यदि यही प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यदि यही प्रकाश की जो किरण है वो ध्रुव पर आपतित होती है तो समान कोण पर यह परावर्तित हो जाती है, तो इसको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होंगे, तो यहां इसका ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया हमारे पास में अभी ए डैश बी डैश, और ये जो प्रतिबिंब है ये पी और एफ के बीच में बना है। अब यहाँ पे आप देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है ए बी पी और एक ही त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए इसमें तो ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों समान है, और परावर्तन के नियम के अनुसार आपने क्या बोला था कि अगर ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो समान कोण पर परावर्तित होती है, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा हुआ और ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, शीर्षा भी वो कोण है, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों कोण बराबर हो गए, एक तो त्रिभुज है ए बी पी और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी, इन दोनों त्रिभुजों में ये दो कोण तो 90 डिग्री के हैं और ये दो कोण थीटा थीटा हो गए, दो कोण बराबर होते हैं त्रिभुज हो गए समरूप, और यदि त्रिभुज समरूप हैं तो देखिए यहां से हमारे पास में हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है त्रिभुज ए बी पी के, अगर ये समरूप हैं तो इनकी संज्ञा भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो इस त्रिभुज की भुजा ए डैश बी डैश बट्टा इसकी भुजा ए बी, ए डैश बी डैश बट्टा ए बी
बराबर आ गया इसकी वजह ए डैश पी बट्टा एपी। अब चित्र के अनुरूप अगर हम देखें ए डैश बी डैश बराबर हमारे पास में क्या है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने दर्शाया है एच डैश से, और चूंकि ऊपर की ओर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए एच डैश प्लस में आ गया। ऐसे एपी एपी है बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, और ये भी सीधा रखा हुआ है बिंब भी यानी इसकी ऊंचाई भी प्लस में आ गई एच। उसके बाद में ए डैश पी, ए डैश पी का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, और जो प्रतिबिंब की जो दूरी है ए डैश पी ये दर्शाते हैं हम इसको वी से। अब ये जो ए डैश पी है दर्पण के दाईं ओर बनी हुई है इसलिए प्लस में आएगी, और ऐसे ही लास्ट में बच गया हमारे पास में एपी। एपी हमारे पास में है वस्तु की दूरी, इसको हम यू से दर्शाते हैं लेकिन ये वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है इसलिए ये आ गया हमारे पास में माइनस। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें इसमें ये जो मान हमें मिले हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एबी ए डैश बी डैश का मान आपको लिखते हैं एच डैश बट्टा एबी का मान आपको लिखते हैं एच। अतः है ए डैश बी डैश का मान एच डैश बट्टा एच बराबर ए डैश पी का मान हो गया वी बट्टा ए पी का मान माइनस में यू वी और बट्टा माइनस में यू। ये एच डैश बट्टा एच जो है ये किसका मान था स्मॉल एम का, मतलब आप ये कह सकते हो कि स्मॉल एम बराबर हो गया एच डैश बट्टा एच बराबर हो गया माइनस में वी अपॉन यू, ये मान हमें मिल गया। यहाँ पे दोबारा अगर हम देखें यहां से तो क्या होगा किस फॉर्मेट में होगा, देखिए पुनः दर्पण सूत्र से आप देखिए हमारे पास में आ गया वन अपॉन एफ बराबर होता है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो देखिए अब जैसे मान लीजिए आपने वन अपॉन यू का मान ज्ञात कर लिया तो हमारे पास में आ जाएगा, या फिर आप इसको वी से गुणा कर दीजिए पूरे को, तो ये आ गया हमारे पास में वी अपॉन एफ बराबर आ गया वी बटा वी का मान वन प्लस वी अपॉन यू, और यहां से वी अपॉन यू जो है इसका मान हमारे पास में आ जाएगा वी अपॉन एफ माइनस में वन, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में वी माइनस एफ बट्टा एफ वी अपॉन यू का मान है और एम बराबर था माइनस में वी अपॉन यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें चूंकि स्मॉल एम बराबर था हमारे पास में माइनस में वी अपॉन यू तो बराबर माइनस में, और वी अपॉन यू का मान हो गया हमारे पास में माइनस नहीं वी माइनस एफ बट्टा एफ, और अगर आप चाहें तो इसमें अंदर आपने माइनस के चिन्ह को गुणा कर दिया तो ये आ गया एफ माइनस वी बट्टा एफ। ठीक है, ये आ गया एक तो हमारे पास में सूत्र वी और एफ के पदों में स्मॉल एम का मान होता है ये। अब इसके बाद में दोबारा अगर हम देखें इसी सूत्र से वन अपॉन एफ बराबर होता है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, आप इसको यू से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो पुनः है वन अपॉन एफ बराबर था हमारे पास में वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, तो इसको आप यू से गुणा कीजिए तो हमारे पास में आ गया यू अपॉन एफ बराबर यू अपॉन वी प्लस वन, तो यहां से यू अपॉन वी का मान आ जाएगा यू अपॉन एफ माइनस वन u माइनस एफ बट्टा एफ, और u अपॉन v का ये मान आया है तो v अपॉन u का मान हो जाएगा उल्टा, तो v अपॉन u बराबर आ जाएगा हमारे पास में इसका उल्टा कर दें f अपॉन में u माइनस f। देखिए अब v अपॉन u का मान आपके पास में आ गया तो m का मान हो सकता है हमारे पास में माइनस में v अपॉन u, तो यहां से माइनस में और वी अपॉन यू का मान हो गया एफ अपॉन वी नहीं यू माइनस एफ, माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करें तो आ जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये आ गया हमारे पास में स्मॉल एम का मान। और ऐसा ही प्रतिरूप हमें प्राप्त हुआ था, ऐसा ही प्रतिरूप हमें प्राप्त हुआ था अवतल दर्पण के।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवर्तनता है, हम ये कह सकते हैं कि जो आवर्तनता है वो दोनों प्रकार के गोले दर्पणों के लिए समतुल्यता है, मान्य होती है, समतुल्य रूप से लागू होती है। आगे इसमें हम चर्चा करें, देखिए तो अभी हमने उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का सत्यापन किया और साथ ही उत्तल दर्पण के लिए हमने आवर्धन क्षमता के बारे में देखा और हमने यहां से प्राप्त किया कि वास्तव में जो दर्पण सूत्र है और जो आवर्धन क्षमता है वो उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए समतुल्यता मान्य होती है। अब आगे देखिए आप, अब यहां से कुछ बातें आपको देखनी है जो ध्यान रखनी है। देखिए पहली बात, पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में देखते हैं, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी इसमें पहला हमने देख लिया चिन्ह परिपाटी के लिए, पहला हमने देख लिया जैसे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए अगर हम चिन्ह परिपाटी देखें, देखिए आपने देखा था, आपने अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था और हमने देखा था कि अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, उसमें हमने चर्चा की थी। उससे पहले आपने जब ये देखा था तो हमने कहा था कि किसी भी दर्पण के लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर में आने वाली जो दूरियां होती हैं वो माइनस में होती है, राइट साइड में आने वाली दूरियां प्लस में होती है, ऊपर की ओर वाली दूरियां प्लस में और नीचे की ओर वाली दूरियां माइनस में होती है। अब देखिए आपने अवतल दर्पण के लिए जब चीजें पढ़ी थी तो अवतल दर्पण के लिए वस्तु जो होती है वो हमेशा अवतल दर्पण के, किसी भी दर्पण के, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु हमेशा अवतल दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, वस्तु जो होती है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु की जो दूरी है u वो लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आ गई और f यानी फोकस दूरी दर्पण के लेफ्ट साइड में ही होती है तो ये भी माइनस में आएगी। कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, ये भी अवतल दर्पण के लिए लेफ्ट साइड में ही होती है, ये भी माइनस में आ गई। और एक बात आप देखिए, एच वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हमेशा सीधी रखी हुई होती है। एक बात आप ध्यान रखना, U का जो मान है ये हर प्रकार के दर्पण के लिए माइनस में होता है और H का मान प्रत्येक दर्पण के लिए प्लस में होता है, ठीक है। तो यहां से H आ गया प्लस में। अब एक बात आप देखिए, 6 स्थितियों में आपने अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था, उनमें से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट साइड में बनता है। प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में अगर बनता है तो जो प्रतिबिंब की दूरी है v वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। और 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, मतलब एच डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है किसमें आएगी, माइनस में आ जाएगी। उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धनता जो होती है m, इसका मान होता है माइनस में, समझे आप मेरी बात को। लेकिन एक स्थिति में आप ये कह सकते हो कि प्रतिबिंब जो है वो दाईं ओर बनता है अवतल दर्पण में और वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसमें देखिए क्या होता है, वो कब होता है, तो वस्तु यू नहीं पी और एफ के बीच में हो, ये तो हो गया एफ और ये हो गया पी और इनके बीच की जो दूरी हो गई वो हो गई फोकस दूरी स्मॉल एफ। यहां आपने वस्तु ले रखी है और वस्तु की पी से दूरी हो गई यू, तो ये कब होगा, इसका मतलब है कि यू का जो मान है एफ से कम है। तो यदि आपने यहाँ पे बोल दिया, इसमें एक अपवाद था और वो ये है कि यदि u is less than f है तो उस परिस्थिति में दाईं ओर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, दाईं ओर प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो जो प्रतिबिंब की दूरी है v वो प्लस में आएगी, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में आएगी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धनता का मान भी किसमें हो गया, प्लस में हो गया, समझ गए आप मेरी बात। इसके बाद में यही जो चिन्ह परिपाटी है हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। देखिए उत्तल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण में आप एक बात ध्यान रखना, केवल एक ही राशि माइनस में होती है, एक ही मान माइनस में होता है और वो होता है यू, बाकी सारे मान प्लस में होते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए देखिए यू का मान माइनस में और दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण था उत्तल दर्पण में और दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा था तो प्रतिबिंब दाईं ओर है तो प्रतिबिंब की दूरी v हो गई प्लस में, वस्तु हमेशा h का मान प्लस में होता है और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, h डैश का मान भी प्लस में हो गया, फोकस बिंदु जो है मुख्य फोकस वो भी दाईं ओर है तो ये भी प्लस में आएगा और
वक्रता त्रिज्या जो है वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या दाईं ओर होती है, इसलिए कैपिटल आर का मान भी आ जाएगा प्लस में, और सीधे प्रतिबिंब के लिए एम का मान हमेशा किसमें आता है प्लस में आता है। समझ गए आप मेरी बात को? अब अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।